चलेगी, मायावती की सरकार चलेगी, मोदी की सरकार चलेगी, मोदी की सरकार चलेगी, ओनली ऑन मोदी। पहले कोई भी नेता नहीं आया, अखिलेश और राहुल गांधी कभी आए नहीं है, तो मोदी जैसा नेता है ये नहीं देश में, पूरी दुनिया में नेता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बता दें कि न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच चुकी है चुनावी यात्रा कवर करने, और हम मौजूद हैं अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं राम की नगरी अयोध्या में, और यहां पर मैं मौजूद हूं लता चौक, जहां पर हमारे साथ कई लोग हैं, और ऐसे में जानिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, अयोध्या में किसको वो जिताएंगे, और चुनावी माहौल क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, कहाँ से आए हो भैया? बस्ती से, मेरा नाम रामदीप शर्मा है, मैं अभी आज मोदी जी के रोड शो में आया हूँ। मोदी जी के रोड शो में आए हैं? जी जी। अच्छा, मोदी जी ने क्या क्या काम किया है? अगर उनको मैं मतलब गिराऊंगा काम को, तो उंगलियों पे नहीं गिरा सकता, मोदी जी ने इतना काम किया है। हाँ, अच्छा, सुनने में आ रहा है पहली बार कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की सड़कों पर कोई रोड शो कर रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये पहले कोई भी नेता नहीं आया, अखिलेश और राहुल गांधी कभी आए नहीं है, तो मोदी जैसा नेता है ये नहीं देश में, पूरी दुनिया में नेता नहीं है मोदी जैसा। अच्छा, क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? जी मैडम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया था अयोध्या का। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही खुला था। हाँ। किसी के कहने से नहीं खुला था ताला। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं बस मोदी ने अपना नाम इस वजह से कर लिया क्योंकि हमने राम मंदिर, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, वरना ताला खोलने वाले तो हम ही बैठे। अरे कहने को कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश की सरकार चलेगी, राहुल गांधी की सरकार चलेगी, मायावती की सरकार चलेगी? मोदी की सरकार चलेगी। मोदी की सरकार चलेगी, ओनली ऑन मोदी। क्यों भाई, मोदी क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी और अच्छा क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की तस्वीर कितनी बदली? मैं हिंदी नहीं आता, कर्नाटक से आया मैं। अच्छा, कर्नाटक का चुनावी माहौल क्या है ये बता दीजिए। जो भी फाइट है 50-50 है। 50-50 हाँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, 50-50 है। क्या लगता है फिर भी हवा किसकी है वहाँ पे? इसको कांग्रेस भी है, बीजेपी को है हवा ज्यादा। अच्छा, क्या होता है, 50-50 है अभी। तो राहुल गांधी ने कुछ काम किया है, डेवलपमेंट हुआ है कर्नाटक? हमको नहीं कर रहे तो काम अभिवृद्धि के क्या नहीं है, अभी देखना क्या कर रहे तो। कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक। कर्नाटक से है, क्या लग रहा है कर्नाटक में डेवलपमेंट हो रहा है, टक्कर आखिरकार किसकी देखने को? नहीं यार, कर्नाटक का छोड़ो, ये अयोध्या भी बहुत कुछ डेवलप हुआ, यहाँ पे यात्री के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका शुक्रिया अदा किसको करना चाहेंगे? यूपी सरकार, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आज तो उनका रोड शो भी है, क्या मुलाकात करने के लिए, उन्हें उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है? हाँ। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कैसा लग रहा है। आप अयोध्या आई हैं, अयोध्या की तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आ रही है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, काफी अच्छा है। हम एक्चुअली गाजियाबाद से आ रखे, तो लास्ट ईयर भी आए थे, स्पेशली इस बार आ रखे फिर से अयोध्या के लिए। क्या लगता है मोदी सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है? हाँ, अच्छा ही कर रही है सरकार, अच्छा ही कर रही है, तभी आई है और इस बार भी चांसेस है आने के लिए। मान लीजिए राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बना लिया गया तो क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि अयोध्या का ताला तो हम ही ने खुलवाया था। ठीक है, काम सभी करते हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, तभी मोदी जी आए, 10 साल लगा था, और आगे भी मोदी जी आएंगे, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। तो देखिए कुछ लोग मोदी जी से भी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो भी करेंगे, और इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जगह जगह बैनर्स भी बनाए गए हैं, मोदी और योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। जी कहाँ से आए आप? हम बनारस से आए। बनारस से आए, बनारस का चुनावी माहौल क्या है? बढ़िया है, बस मोदी मोदी है, मोदी मोदी है। आज आप अयोध्या आए, क्या मोदी की झलक पाने आए? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए पूरा अगर देखा जाए, अयोध्या इस वक्त पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, और देखा जाए तो खूब अच्छे से तैयारियां भी की गई है, पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव जो है अयोध्या में देखने को मिला है, क्या कितनी तस्वीरें जो है चेंज हुई है अयोध्या की, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई यही कहता था कि अयोध्या में कोई नेता कदम नहीं रखता था। और देखिए कि आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, और ऐसे में देखिए लोगों की भीड़ जो है, तादादों में लोगों की भीड़ है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, और मोदी की झलक पाने भी आ रहे हैं। देखिए सभी के चेहरे में श्री राम लिखा हुआ है, कितनी खुशी हो रही है आज आप अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। बहुत खुशी है। हाँ हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा, तो किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी का। मोदी जी का क्यों, अखिलेश भैया और ये सब कुछ काम नहीं करते? क्या काम किए थे अब तक? अब तक तो इतना भीड़ हुआ नहीं था, और अयोध्या मंदिर बना नहीं था,
अच्छा, पहली बार कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मतलब यहाँ अयोध्या की सड़कों पर कोई रोड शो कर रहा है, पहला ऐसा प्रधानमंत्री? हाँ हाँ। क्या लगता है किसकी हवा चलेगी अयोध्या में? मोदी का ही चलेगा। मोदी का चलेगा। आप कहाँ से हैं? मैं इधर जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। अच्छा अच्छा, वैसे कांग्रेस कहते, राहुल गांधी कहते रहते कि अयोध्या का तो ताला हम ही ने खुलवाया था, बस मोदी जी ने मंदिर खड़ा कर दिया। नहीं, वो बस वो खाली बड़ी बड़ी बातें करता था पर कुछ करता नहीं था। अच्छा, कक्का कहाँ से हो? एमपी उज्जैन। एमपी उज्जैन से हो, अयोध्या में आए हो दर्शन करने भगवान रामलला के? तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अयोध्या का। और देखिए यहाँ पर जगह जगह जो है पुलिस भी तैनात है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहाँ के पुख्ता इंतजाम को भी दिखाया जाए, बैनर्स भी लगे हुए हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है, निगरानी पैनी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई वारदात या किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो। और लगातार जो है देखा जाए पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, अयोध्या नगरी को एक बार फिर से सजाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि अयोध्या में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या में विराजेंगे। और ऐसे में जो है लल्लू सिंह को साधने की जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको भी फैज़ाबाद से, लोकसभा फैज़ाबाद से, तो ऐसे में लल्लू सिंह के समर्थन में वो यहाँ पर चुनावी प्रचार और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से आई हैं आप, तो यूपी से हैं? हाँ। कितनी खुशी हो रही है आज अयोध्या? बहुत खुशी है। हाँ, पहली बार आए हैं। लेकिन इसका श्रेय किसको दे रही है? अपने लड़के। हाँ, पीएम मोदी को। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या में आके, एक समय था इसके पहले भी हम आए थे, तब ये प्लेजर नहीं था, यहाँ पे कुछ और सिनेरियो था, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। और फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार, मतलब 400 पार होकर रहेगी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार 400 पार नहीं होकर रहेगी बल्कि इस बार डूब जाएगी। वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं, वो भी बहुत जगह विजिट करते हैं, वो उनका अपना मानना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 400 पार नहीं, 444 पार। अच्छा। ये हम बीजेपी के लिए डेडिकेशन है हमारा, तो हम कोशिश करेंगे 400 नहीं 444। राहुल गांधी कहते हैं अयोध्या तो हमारी वजह से बना क्योंकि ताला हमने खुलवाया था। अब उनका अपना है, लेकिन ताला उन्होंने खुलवाया था लेकिन मंदिर तो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। आप अभी विकास देख रहे हैं यहाँ पे अयोध्या की, ये नरेंद्र मोदी की वजह से है, तो इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी का। 400 पार होकर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी फिर एक बार। अच्छा, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस वक्त यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है 400 पार हो करेगी, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने यही नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और सभी का यही कहना है कि अयोध्या की तस्वीर जो है वो बदली है, विकास हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आखिर कितनी सारी हर चीज़ की तैयारी की गई है, पुख्ता इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जगह जगह कैमरे भी लगाए गए ताकि पैनी नजर जो है वो रखी जाए। क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? हवा नरेंद्र मोदी की चल रही है मैडम। हवा नरेंद्र मोदी की चल रही है। क्या किया नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम किया है। मैं राजस्थान का हूँ, वैसे बाकी यूपी में और राजस्थान में, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, अयोध्या पहले आए हैं आप? नहीं नहीं, पहली बार ही आए मैडम। पहली बार आए, जबरदस्त, बहुत ही। लेकिन अयोध्या के बारे में सुना तो होगा ना, तस्वीरें पहले देखता था, वो टेंट में थे राम जी, अभी बहुत बड़ा मंदिर बन गया, शानदार, मतलब एक जैसे गांव होता ना उतना बड़ा मंदिर बन गया, बहुत बड़ी संख्या। व्यवस्थाएं अच्छी हैं? नहीं, शानदार है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत जबरदस्त। किस सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की जी। क्यों, क्या हो गया मोदी जी का? अरे बहुत काम किया है, बहुत काम किया, बहुत है। अयोध्या की तस्वीर बनी? हाँ हाँ एकदम। अच्छा, कब से यहाँ है आप अयोध्या में? हम कल शाम को आए। आप कब से हैं? कल शाम को आए यहाँ पे दर्शन करने, दर्शन बहुत बढ़िया हो गई, बहुत शानदार यहाँ पे मंदिर बनी हुई है उनके कृपा, मोदी जी की कृपा से, नेतृत्व में। और आज आने वाले हम उनको आज देख के भी और उनका भी दर्शन कर, झलक भी उनकी पानी है, बहाना है, है? बिल्कुल, उनकी झलक देख करके आज शाम को फिर जाएंगे हम। क्या लगता है अयोध्या की तस्वीर बदली है? हाँ बदली है बहुत। कब से हैं आप यहाँ पर? हम यहीं के हैं। यहीं के? तब तो इधर आइए, थोड़ा पास आइए ना। कितनी तस्वीर बदली है? पहले कैसे दुकान चलती थी कि नहीं चलती? पहले से भी सही चल रही है। पहले कमाई नहीं हो पाती थी? होती थी, तब पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, लेकिन अब ज्यादा हो रही है, उतने हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या की तस्वीर तो हमने बदली है, ताला तो हमने खुलवाया था। नहीं, पीएम मोदी को शुक्रिया। मोदी मोदी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के भी बैनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी
जो है नजर आ रहे हैं और हर कोई इस वक्त जय श्री राम का नारा जो है वो गूंज रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी की सरकार, फिर से मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो देख रहे हैं लोगों के अंदर कितनी खुशी और हर कोई यही कह रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से आई है? ये तो बोलेंगे ही नहीं। मोदी जी की आनी चाहिए, मोदी जी की आनी चाहिए। हाँ। और क्या? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए राजस्थान। राजस्थान से, राजस्थान में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में तो कोई खास नहीं पता। कांग्रेस, बीजेपी, किसकी? बीजेपी, बीजेपी की। और क्या? अच्छा, तो देखिए अब किससे पूछे बताओ, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी के, मोदी के, मोदी के। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नीतीश बाबू आएंगे क्या? हाँ। बिहार में किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी? ना ना, ओ, ना बने। अच्छा, कैसा लग रहा है दर्शन करने में, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। दे रहे हो ना मतदान, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है अयोध्या में? विकास बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, रोजगार बढ़ गया है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यहाँ आए हैं अयोध्या? नहीं, कभी कदम ही नहीं रखा। कभी आया ही नहीं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब वो सोचे कि आने के लिए, तब तभी नहीं आए। तो नाराजगी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी होगा। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या की ताला तो अभी ने खोला है। ताला तो खोला ही, तो बात है। अच्छा, राहुल गांधी ने ताला खोला है अयोध्या? उनके माता जी ने खोला था। अच्छा, चलिए जी। हाँ? किसकी सरकार होगी अब की बार? ओ, बीजेपी जो नहीं, भाजपा। भाजपा क्या किया है भाजपा ने? बढ़िया, बिल्कुल शानदार। तो देखिए, हर किसी का यही कहना है कि अयोध्या की तस्वीर बदली है और ये सब सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हुआ है, बीजेपी की सरकार के ही द्वारा हुआ है। अगर किसी और भी नेताओं की बात करें तो यहाँ पर अयोध्या में कदम ही नहीं रखा, ऐसा लोगों का कहना है। और देखिए, अयोध्या को लेकर के अभी कहा जाए तो जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लल्लू सिंह को साधने की लगातार जो है उनके चुनावी समर्थन में नजर आएंगे, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। भक्त भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए उतावले हैं और अयोध्या की जनता जो है वो भी वोट देने के लिए तैयार है। और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 4 जून को अयोध्या की जनता किस पर प्यार जताती है, ये तो 4 जून को जो परिणाम सामने आएंगे वही बता पाएंगे। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।